हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला प्रैक्टिस पेपर 42 डॉक्टर रंजीत सर की बुक से। और इससे पहले कि हम लोग 41 तक कर चुके हैं प्रैक्टिस पेपर, और अब इस बुक के कुछ ही प्रैक्टिस पेपर रह जाएंगे, उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सुनने में आ रहा है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि एग्ज़ाम कब है। ठीक है, एग्ज़ाम जब होगा जब सरकार चाहेगी, जिस दिन सरकार चाहेगी उसी दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर हो सकता है ना कोई आपको नोटिफिकेशन मिले, ना आपको टाइम मिले, ना कुछ कुछ भी हो सकता है। तो बस अपनी आप तैयारी करते रहिए। तैयारी क्या करनी है, तैयारी तो आप लोग एक साल से कर ही रहे हैं, बस उसको रिवाइज़ कर लीजिए, करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, बीएड की तैयारी कर रहे थे, वो लोग एकदम से ये जो स्टार्ट हुआ है यूट्यूब के ऊपर कि टीजीटी डेट आ गई, फाइनली एग्ज़ाम है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करें, टीजीटी करें या बीएड करें। तो सिंपल सी बात है, जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना फोकस बीएड पर करिए, क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम पहले है ना सामने, उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है, डेट फिक्स है। तो सबसे पहले आप बीएड में फोकस करें, देन आप टीजीटी की तैयारी करना। ठीक है, क्योंकि टीजीटी की अभी कोई डेट नहीं आई है, कुछ भी एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है, बस 36 लोग 36 चैनल हैं, 36 प्रकार से एक ही बात को करते रहते हैं, क्योंकि किसी पर कोई कुछ काम है नहीं है। तो ज़्यादा अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा कर रहा है बस वैसा ही करता रहे। ठीक, एंड हो सके तो अपनी स्ट्रैटेजी भी खुद बनाइए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से प्रैक्टिस पेपर 42। इससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस पेपर 42 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों से, द थिएटर वर रीओपन इन 1660। जो थिएटर हैं वो रीओपन्ड हो गए थे 1660 में, 1660 में। व्हेन वर दे क्लोज लास्ट, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो क्लोज कब हुए थे। तो वो क्लोज हुए थे 1642 में, जब चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड चल रहा था, जब चार्ल्स फर्स्ट राजा थे इंग्लैंड के, उस समय ये थिएटर बंद हो गए थे। क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो बहुत ही एक लेविश टाइप के राजा थे, यानी कि बहुत ही यानी कि उन्हें राज्य से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, वो अपना बस अपने एन्जॉयमेंट पर और अपनी लाइफ पर वो ध्यान देते थे। तो इसकी वजह से उनके काफ़ी लव अफेयर वगैरह भी हुआ करते थे, और वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और उसी वजह से जो थिएटर थे उनमें भी काफ़ी वल्गरिटी आ गई थी। तो पार्लियामेंट ने एक बिल के थ्रू, बिल के माध्यम से जो थिएटर है उनको परमानेंटली क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, यानी ड्रामा को बैन कर दिया गया था पूरी तरह से, जिससे कि जो समाज है उस पर इसका जो है अनैतिक प्रभाव ना पड़े इस थिएटर का, है ना। तो 1642 में ये बंद हो गए थे, और फिर वापस जाके ये 1660 में खुलते हैं, जब चार्ल्स फर्स्ट के ही बेटे चार्ल्स सेकंड दोबारा से राजा बनते हैं इंग्लैंड के। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर। टैटलर का कौन फाउंडर है, सो रिचर्ड स्टील नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, रिचर्ड स्टील इसके फाउंडर माने जाते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्टर जॉनसन द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश जॉन। डॉक्टर जॉनसन की बुक द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का पब्लिश हुई थी, सो ये पब्लिश हुई थी 15 अप्रैल 1755, यानी 1755 में 15 अप्रैल को। सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एसेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन। क्वीन विक्टोरिया का एसेसन कब हुआ था, कब वो रानी बनी थी इंग्लैंड की। क्वीन विक्टोरिया रानी बनी थी इन 1837, 1837 में वो इंग्लैंड की रानी बनी थी, और तभी से विक्टोरियन एज की शुरुआत मानी जाती है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सैमुअल लेगॉन क्लीम रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ। जो सैमुअल लेगॉन है वो किस नाम से अपना जो पोइट्री है वो लिखते थे, तो मार्क ट्विन के नाम से अपने पोइट्री लिखा करते थे, सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर। एरिक ब्लेयर के नाम से कौन अपनी पोइट्री लिखा करता था, तो जॉर्ज ऑरवेल का स्यूडोनिम था एरिक ब्लेयर, है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉर्ज एरिक ब्लेयर
स्यूडोनिम होता है, यानी कि नकली नाम, यानी कि जो ओरिजिनल नाम से ना लिखकर राइटर एक ना दूसरा नाम एज्यूम कर लेते हैं और उस नाम से वो अपना बुक वगैरह लिखते हैं, उसे स्यूडोनिम कहते हैं। जैसे कि चार्ल्स लेम एलिया के नाम से लिखते थे, और ऐसे ही जो एरिक ब्लेयर हैं ये जॉर्ज मतलब एरिक ब्लेयर के नाम से लिखते हैं, ऐसे ही सैमुअल मार्क ट्विन के नाम से लिखते हैं। ऐसे ही अलग अलग ऑथर अलग अलग नेम्स को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स। आपको इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। लाइफ सोरोज सिट एंड वीप, जो जीवन के दुख हैं वो बैठ कर क्या करते हैं, रोते हैं। तो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है आपका वो है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे लाइफ सोरोज सिट एंड वीप, यानी बैठते हैं और रोते हैं, तो जो सोरोज होते हैं वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो ना कैसे बैठ सकते हैं और कैसे रो सकते हैं, है ना। तो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में वो हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, सो बी इज़ द राइट हेयर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, यानी कि जो डेथ है वो अपनी आईसी हैंड राजाओं पर डालती है। तो डेथ कैसे अपने हैंड राजाओं पर डाल सकती है, यहाँ भी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग का मतलब मानवीकरण किया गया है ना, तो यहाँ पर भी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, ठीक है, समर ईव्स। तो यहाँ मर्मर यानी साउंड की बात हो रही है, फ्लाइज की मर्मरस हॉन्ट, तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो ओनोमेटोपोइया हो जाएगा, तो ए आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज, शेक्सपियर की कॉमेडीज को लेकर किसने ये कमेंट किया है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ही हैज़ ओनली हीरोइंस, कि शेक्सपियर के पास कोई हीरो नहीं है, उनके पास तो केवल हीरोइन है। तो ये कमेंट किया है जॉन रस्किन ने, क्योंकि जो शेक्सपियर हैं उनकी हीरोइंस उनके प्लेज में हीरो से ज़्यादा शाइन करती हैं, तो इसीलिए जॉन रस्किन ने कमेंट किया था शेक्सपियर की कॉमेडीज़ को लेकर, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स, दे आर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टाइल इन दिस, PGT 2003 में ये आया है। तो ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं हैमलेट से, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टू विच करेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, यानी कि एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है ये किस करेक्टर पर अप्लाई होता है इन हैमलेट, यानी कि एक द टैड देखिए यहाँ पर एक कोट दी गई है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। द टैडियस वाइज एकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डू, यानी कि एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, यानी बुद्धिमान तो है वो लेकिन धीमा है, वो क्या करता है अपना मतलब अपनी जो डायत है वो खुद चुनता है, यानी अपने दुर्भाग्य को खुद सेलेक्ट करता है। तो ये जो लाइंस हैं ये अप्लाई होती है हैमलेट के ऊपर, सो बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस, शेक्सपियर की प्रशंसा किसने की है इस तरीके से, PGT 5 & 10 में आया। अदर अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर स्टिल, है ना। तो ये जो लाइन्स हैं ये लिखी हैं आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी एक पोएम में, उन्होंने एक पोएम डेडिकेट की थी विलियम शेक्सपियर को, तो ये उनकी लाइन्स हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी मैथ्यू आर्नोल्ड। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी निम्न में से कौन सी ट्रेजेडी विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानी जाती है। सो हैमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। और हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसने कहा था ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, अगर आप लोगों को आता है तो। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर बेल, निम्न में से पीटर बेल किसकी कविता है, किसने लिखी है। सो वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन दिस वन, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए वर्ड्सवर्थ। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। Wordsworth has expressed his views
ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, है ना, जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं ट्रांसमिग्रेशन ऑफ द सोल, सोल के मिग्रेशन पर, किस पोएम में, किस पार्टिकुलर पोएम में उन्होंने अपने ये विचार दिए हैं, तो ये पोएम है उनकी और ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी ट्रैवल पोएम है, ट्रैवल पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एसोसिएटेड है, तो डेस्क्रिप्टिव स्केचेस, है ना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ये उनकी एक ट्रैवल पोएम है। इसके साथ इन्होंने एक और लिखी थी जिसका नाम है इवनिंग वॉक करके, है ना, तो ये उन्होंने अपने इनिशियल फेज में लिखी थी ये दोनों पोइम्स। एंड नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लिरिकल बेलार्ड्स अपियर्ड विद, लिरिकल बेलार्ड जो पब्लिश हुई थी तो उसमें, उसमें जो कलेक्शंस हैं वो किसका कितना था, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो 4 पोइम्स उसकी कॉलेरिस की थी उसमें जब वो पब्लिश हुई थी, और 19 पोइम्स वर्ड्सवर्थ की थी, है ना, सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड ऑफ पोइट्स, ठीक है, हमें जब मिल्टन का एज हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें 3 काइंड ऑफ पोइट्स देखने को मिलते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, उनका ग्रुप बताइए, रिलीजियस हीरोइक प्यूरिटन, ये तो नहीं है, मेटाफिजिकल कैविलियर प्यूरिटन, यस ये बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हमें 3 ग्रुप ऑफ पोइट देखने को मिलते हैं एज ऑफ मिल्टन में, ठीक है, जो मिल्टन का एज है वो शुरू होता है 1625 से लेके 1660, ठीक है, 1625 से लेके 1660 ये मिल्टन का टाइम पीरियड है। तो इसमें हमें 3 तरह की मतलब पोइट्स देखने को मिलते हैं, स्टार्टिंग में मेटाफिजिकल पोइट देखने को मिलते हैं जिसके प्रमुख थे जॉन डन, फिर कैविलियर पोइट, कैविलियर पोइट जो कि चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में थे यानी कोर्ट पोइट इनको कहते हैं, और तीसरे थे प्यूरिटन, ठीक है, जिसकी जो जिसमें कि खुद मिल्टन भी एक प्यूरिटन थे, तो आपका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है, TGT 2009 में पूछा गया है, टैनिसन ने, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी टैनिसन। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड प्यूशियन नेशन राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप, ठीक है, राउजिंग हर सेल्फ लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स, तो ये जो तारीफ है किसने की है एलिजाबेथन पीरियड के लिए, तो जॉन मिल्टन के वर्ड्स हैं ये, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु सैड, किसने कहा था सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट, ठीक है, जो सोनेट है मिल्टन के हाथ में क्या बन गई है, एक ट्रम्पेट बन गई है, तो वर्ड्सवर्थ ने ये स्टेटमेंट दिया था अबाउट मिल्टन, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय, वीनस एंड एडोनिस एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, हमें पता है सबको, विलियम शेक्सपियर की है, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विलियम शेक्सपियर, इजी टी में आया है 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बिन टेकन, जो ये नीचे लाइन दी गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं या कहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस शेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हेयर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स बी ही दैट मूव्स माई बॉन्स, तो ये जो लाइन्स हैं ये लिखी हुई हैं शेक्सपियर के जो उस पर ग्रेव के ऊपर ये लिखी हुई है शेक्सपियर्स टॉम, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इनके टॉम पर ये जो लाइन्स हैं ये लिखी हुई हैं, ठीक है, क्या एपिटेफ है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, वेयर फ्रॉम द लाइन्स आर टेकन, यानी ये जो लाइन्स दी गई हैं ये कहाँ से दी गई हैं, फियर नो मोर द हीट ऑफ सन नोर द फ्यूरियस विंटर रेजेस दाउ द वर्ल्डली टास्क हैज डन होम आज गॉन एंड ट्रीन दाई वेजेस, है ना, तो ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी सिम्बलाइन से, है ना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वीनस एंड एडोनिस बाई विलियम शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजा ऑफ, विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो वीनस एंड एडोनिस है वो कितनी लाइन की स्टैंजा में लिखी गई है, तो ये 6 लाइन की स्टैंजा में लिखी गई है, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी 6 लाइन। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, टू विच कैटेगरी द टू वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस बिलोंग टू, यानी किस कैटेगरी में इन वर्क को कैटेगराइज किया जाता है विलियम शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेस, तो ये दोनों ही विलियम शेक्सपियर की नैरेटिव लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स की कैटेगरी में आती हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए नैरेटिव पोइम्स। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ए, वर्ड्सवर्थ की प्रील्यूड है तो क्या है, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की जो कि 14 किताबों में उन्होंने लिखी है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन, वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखी थी लंदन 1802 किस पर लिखी थी, तो ये उन्होंने लिखी थी वेल नोन पोइट जॉन मिल्टन के ऊपर, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी मिल्टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हुम डज वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स दी गई हैं नीचे ये वर्ड्सवर्थ किसको रेफर करते हैं, सो ये बहुत फेमस लाइन्स हैं और बार बार किसी ना किसी एग्जाम्स में ये देखने को मिल जाती हैं, दाइ सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, यानी तुम्हारी जो सोल है वो एक स्टार की तरह जो कहीं दूर रहती है, तो ये जो लाइंस हैं ये मिल्टन को रेफ़र करी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उन्होंने जो अपनी अभी एक मैंने सोनेट बताई थी ना 1802 उसी में ये लाइंस हैं, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द टाइटल, यानी कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 कविता है उस वो किस टाइटल के अंतर्गत लिखी गई पहले, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी एक खासियत होती थी हर एक पोईम के दो दो नाम हैं, एक है ना एक ओरिजिनल नाम और एक उसका सबटाइटल, तो इंडिपेंडेंस एंड रेजोल्यूशन 1802 का जो फर्स्ट वर्जन था वो द लीच गैदरर है ना, तो ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु सैड, किसने कहा था मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन जो है डेविल्स पार्टी के हो गए हैं बिना इसके जाने, ये बहुत फेमस कमेंट है विलियम ब्लैक का, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि ऐसा हुआ था उन्होंने जो है सैटन है उसको काफ़ी ग्लोरीफाइज कर दिया था अपनी बुक में, तो उस वजह से ब्लैक ने कहा था कि मतलब मिल्टन पता नहीं सैटन की तारीफ डेविल्स की साइड से बोल रहे हैं या देवताओं की तरफ से बोल रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हु प्रेज्ड मिल्टन इन हिज सोनेट लंदन 1802 इन दीज वर्ड्स, मिल्टन की प्रशंसा कौन करता है अपनी सोनेट लंदन 1802 में इन शब्दों में, ठीक है सुनिए उनकी प्रशंसा, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, जो आपकी सोल है वो एक स्टार की तरह जो कहीं दूर रहती है, दाउ हैडस्ट अ वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, और तुम्हारे पास एक वॉइस थी जो कैसी थी समुद्र के समान थी, है ना, तो ये जो प्रशंसा है वर्ड्सवर्थ ने करी है मिल्टन की, है ना अपनी सोनेट लंदन 1802 में, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इन विच पोएम, कौन सी कविता में वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स, मिल्टन की प्रशंसा की है वर्ड्सवर्थ ने, तो मिल्टन दाउ सुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, मिल्टन तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, शी इज़ ए फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, वो एक क्या बन चुका है एक दलदल बन चुका है, एक रुके हुए पानी का दलदल बन चुका है इंग्लैंड, इस तरीके से वो तारीफ कर रहे हैं याद कर रहे हैं मिल्टन को, तो वो पोइम कौन सी है, वो है लंदन 1802, यानी कि जो लंदन 1802 है ये इतनी इंपॉर्टेंट सोनेट है कि इसकी कोई ना कोई लाइंस हर बार किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है ना, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सेवरल ऑफ गार्ल्सवर्दी अर्ली नोवल्स वर रिटन अंडर ए स्यूडोनेम ऑफ, ठीक है गार्ल्सवर्दी ने भी एक स्यूडोनेम अडॉप्ट किया था जिसके अंडर उन्होंने अपनी जो अर्ली नॉवल्स थे वो लिखे थे, ठीक है तो उनका स्यूडोनेम क्या था, उनका स्यूडोनेम था जॉन सिन जॉन, ओके सो द राइट ऑप्शन विल बी सी जॉन सिन जॉन।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवल ऑफ गासवर्दी वॉज, गासवर्दी का फर्स्ट सक्सेसफुल नोवल कौन सा था? तो गासवर्दी का जो फर्स्ट सक्सेसफुल नोवल था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि 1906 में आया था, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। विच नोवल ऑफ गासवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टर पीस, कौन सा नोवल गासवर्दी का मतलब मास्टर पीस माना जाता है? TGT में आया है ये, इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट बाई मेकिंग इट रिड्यूकुलस एंड इवोकिंग टू वर्ड इट एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कॉर्न इज कॉल्ड, तो इस ये पैरोडी को कहा जाता है। सो आपका जो सही ऑप्शन है वो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द टर्म कर्टिन रेजर इंडिकेट इन द ड्रामा? कर्टिन रेजर एक टर्म है, लिटरेरी टर्म है, जो क्या इंडिकेट करता है ड्रामा में? तो ये एक शॉर्ट प्ले है, एक जो शॉर्ट प्ले जो मेन प्ले से पहले, मेन ड्रामा से पहले जब एक शॉर्ट प्ले परफॉर्म किया जाता है उसे कर्टिन रेजर का नाम दिया जाता है, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अ शॉर्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवेंट ग्रेड? अवेंट ग्रेड का क्या मतलब है, है ना। PGT 2004 एंड PGT 2010 में ये पूछा गया है। तो एवेंट ग्रेट का मतलब होता है एक प्रकार की इनोवेटिंग राइटिंग, यानी कि ऐसी राइटिंग जो आज के टाइम में लिखी जा रही है लेकिन आने वाले टाइम में भी वो कभी पुरानी नहीं होगी। जिस तरह से शेक्सपियर एक अपने आप में एवेंट ग्रेट थे, यानी उन्होंने उस समय जो 1500 में मतलब 15-16 सेंचुरी के आसपास उन्होंने अपना जो लिखी हैं कोट वो आज भी एप्लीकेबल हैं, है ना। तो उस तरह की राइटिंग को कहते हैं एवेंट ग्रेट। सो द राइटिंग ऑफ सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, न्यू राइटिंग दैट इज़ इनोवेटिव, यानी ऐसी राइटिंग जो इनोवेटिव हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक? अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक क्या होती है? सो दिस टेक्निक विच डिपिक्ट द इनर थॉट एंड फीलिंग्स, यानी कि ऐसी टेक्निक जो व्यक्ति के इनर थॉट को डिपिक्ट करती है, यानी कि अंदर एक जो कंटिन्यू एक फ्लो आदमी के अंदर चलता रहता है, कभी वो प्रेजेंट की सोचने लग जाता है, कभी वो फ्यूचर की सोचने लग जाता है, और वो जो फ्लो है वो कभी मतलब अनब्रोकन होता है, चलता ही रहता है, उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसे इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले विलियम जेम्स ने इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन 1890 में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी साइकोलॉजी के सिद्धांत, उसमें उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे, वर्स लिब्रे को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वर्स लिब्रे को फ्री वर्स एंड ओपन वर्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जिसके फादर हैं वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन को वर्स लिब्रे का फ्री वर्स का फादर माना जाता है, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निकोलस ओडेल्स फर्स्ट प्योर कॉमेडी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर केम इन, निकोलस ओडेल की जो फर्स्ट प्योर कॉमेडी थी राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर कब आई थी? तो ये आई थी लगभग 1552 में, इन 1552 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, और ये जो कि इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट कॉमेडी मानी जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। द फर्स्ट कंप्लीट ट्रेजेडी इन इंग्लिश गार्बोडक और फोरेक्स एंड पोरेक्स केम इन, इंग्लिश की फर्स्ट जो ट्रेजेडी है गार्बोडक और फोरेक्स एंड पोरेक्स, ये इसका सबटाइटल है, ये कब आई थी? तो ये आई थी 1561 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? तो उन्हें वार्ड ऑफ एवॉन बोला जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है एसी ब्रैडली ने, ठीक है। एसी ब्रैडली रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। शाइलॉक इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स, शेक्सपियर के कौन से प्ले में शाइलॉक नाम का करेक्टर देखने को मिलता है? तो ये अपीयर होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी।
देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वूमेन करेक्टर। शेक्सपियर के वूमेन करेक्टर में फोर्थ विच के नाम से किसे जाना जाता है ना, डेस्डिमोना, जर्टूड, लेडी मैकबेथ और कॉर्डेलिया। किसे फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है शेक्सपियर की वोमेन्स करेक्टर में? सो लेडी मैकबेथ इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वोमेन करेक्टर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, लेडी मैकबेथ, इसे फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, द नेम ऑफ मैकबेथ वाइफ इन शेक्सपियरियन प्ले इज। मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या था शेक्सपियर के प्ले में मैकबेथ में? तो उसकी वाइफ का नाम था, क्या नाम था उसकी वाइफ का? कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना या नन ऑफ द एबव। तो कॉर्डेलिया तो था नहीं, क्योंकि मैकबेथ की वाइफ का नाम था इस प्ले में लेडी मैकबेथ, है ना। ऊपर अभी मैंने बताया जिसे फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है, तो इसमें उसका नाम कहीं भी नहीं है। कॉर्डेलिया तो किंग लियर में देखने को मिलती है, कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया जूलियस सीजर में देखने को मिलती है, डेस्डिमोना मिलती है ओथेलो में, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 51, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ प्ले में ये वर्ड्स किसने बोले हैं? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ठीक है, ये जो लाइन्स हैं शेक्सपियर के मैकबेथ में किसके द्वारा बोली गई हैं? तो ये लेडी मैकबेथ बोलती है। लेडी मैकबेथ जब मैकबेथ को मतलब उकसाती है मर्डर करने के लिए, तब ये लाइन्स बोलती है कि जो द स्लीपिंग एंड डेड, यानी कि सोता हुआ यानी और या फिर मरा हुआ व्यक्ति तो क्या है, एक पिक्चर के समान होता है ना, तो उसे तो उससे तो बच्चे भी नहीं डरते, तुम इतना डर के दिखा रहे हो, है ना, जाओ और डंगन का मर्डर कर दो। सो द राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, क्योंकि उसे तो फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है लेडी मैकबेथ को, और यहाँ पर फर्स्ट विच, सेकेंड विच और थर्ड विच दे रखी हैं, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, ट्रैस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज़ नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। यानी ऐसे प्ले को आपको बताना है जो कि बाकी प्ले से अलग है, यानी कि ओथेलो, हैमलेट एंड किंग लियर, ये शेक्सपियर की ग्रेट फोर ट्रेजेडी की कैटेगरी में आती हैं, जबकि जो टेम्पेस्ट है वो उनका एक ड्रामेटिक रोमांस है और लास्ट में उनकी लाइफ के लास्ट फेज में लिखा गया। सो डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पी ऑन लर्टीज। लर्टीज जो कि पोलोनियस का बेटा है, उसके पास फ्रांस किसे भेजता है पोलोनियस? तो रिनाल्डो को भेजता है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। और ये रिनाल्डो और ये पोलोनियस और ये लर्टीज, ये कुछ प्ले के करेक्टर हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मैनी करेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट प्ले में कितने लोगों की डेथ होती है ना, तो यहाँ पर 8 लोग मरते हैं इस प्ले के अंदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, हु स्पीक द फेमस सोलिलॉक्वी टू बी और नॉट टू बी, जीऊँ या मरूँ। ये फेमस सोलिलॉक्वी है हैमलेट प्ले की, विलियम शेक्सपियर, कौन बोलता है इसे? तो इसे हैमलेट बोलता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, हैमलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, द लाइन मिल्टन दाउ सुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था, इस चेकन फॉर्म इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। ये जो लाइन है वर्ड्सवर्थ की फेमस सोनेट टू मिल्टन और लंदन 1802 से ली गई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, हु ओपाइंस देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। यानी ये किसकी विचारधारा है कि यहाँ पर इसेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसके बीच में, लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि प्रोज और पोइट्री की जो लैंग्वेज है उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन लैंग्वेज में ये होने चाहिए, ये विचारधारा है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबी इज। जो टिंटन एबी पोएम है जो कि मास्टरपीस है विलियम वर्ड्सवर्थ का और जिसे लिरिकल बैलाड में
ठीक है ऐड किया गया है, उसका कंप्लीट टाइटल बताना है आपको। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू मील्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग द टूर July 30, 1798। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबी फर्स्ट टाइम? ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सेकंड टाइम इस प्लेस को विजिट किया था 1798 में, यानी 1798 में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कब विजिट किया था उन्होंने, तो उन्होंने सबसे पहले विजिट किया था इस प्लेस को 1793 में, 1793 में। ठीक है, तीन बार गए थे वो यहाँ पर, सबसे पहले 1793 में एंड देन 1798 में और एक बार 1841 में गए थे। ठीक है, तीन बार उन्होंने विजिट किया था टिंटन एबी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। Who has called Wordsworth a moral annex? Wordsworth को a moral annex किस पोइट ने कहा है? So Shelley called Wordsworth a moral annex. So the right option will be B, Shelley. Next है question number 60. Four books are not absolutely dead things, but to contain a potency of life in them, to be as active as that soul was whose progeny they are. The above lines are taken from, जो ये lines हैं ये कहाँ से ली गई हैं? तो ये line ली गई हैं Areopagitica से। ठीक है, masterpiece है किसका? John Milton का। So the right option will be A, Areopagitica. Next है question number 61. Dear son of memory, great hero of fame, dear son of memory, great hero of fame, what needs thou such weak witness of thy name, and so sepultured in such pomp does lie that kings for such a tomb would wish to die. The above lines are taken from, जो ये lines हैं ये ली गई हैं John Milton की poem से जो उन्होंने लिखी है Shakespeare के ऊपर, on Shakespeare. So the right option will be D. And next question number 62. What kind of work is Samson Agonist? Samson Agonist किस प्रकार का work है? ये verse play एक है ना, so the right option will be A. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ गार्ड्सवर्थी प्रॉब्लम प्ले। गार्ड्सवर्थी की जो प्रॉब्लम प्ले उन्होंने लिखे हैं उसकी कौन सी विशेषता नहीं रही है? सो नो एसाइड और सोलिलोक्वी, उसमें कोई सोलिलोक्वी और एसाइड देखने को नहीं मिलती उनके प्लेज में। उनके प्लेज को क्या कहा जाता है? प्रॉब्लम प्लेज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये उनके प्लेस की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। द रियल विलेन इन गार्ड्सवर्थी प्लेज आर, गार्ड्सवर्थी की जो सोशल प्लेज हैं, प्रॉब्लम प्लेज हैं, उनमें रियल विलेन कौन होता है? तो उनके प्लेज का जो रियल विलेन है ना वो है सोशल ईविल्स, यानी सामाजिक बुराइयाँ, उन्हीं को तो उन्होंने उसमें दर्शाया है। ठीक है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। ऑल प्लेज ऑफ गार्ड्सवर्थी आर, जो गार्ड्सवर्थी के प्ले हैं सभी की सभी, वो क्या हैं? तो वो एक सभी सोशल ट्रेजेडी हैं, वो सभी सोशल ट्रेजेडी की कैटेगरी में आती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। लॉ इज ए मजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ठीक है, लॉ क्या एक मजेस्टिक एडिफाइस है जो हमें शेल्टरिंग प्रदान करता है, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। These lines are from, जो ये lines हैं ये कहाँ से ली गई हैं? So ये line ली गई हैं John Galsworthy के बहुत ही famous play Justice से, जो कि 1910 में आया। ठीक है, So right option आपका हो जाएगा A, Justice. Next है question number 67। Good men are destroyed daily under our law. Good men daily destroyed होते हैं हमारे law के नीचे for want of that human insight which views them as they are पेशेंट एंड नॉट क्रिमिनल्स। सो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? सो ये लाइन्स भी ली गई हैं जस्टिस प्ले से। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स टू गो इन टू हिज सूट केस, तो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? यहाँ सुड, वर, आर या इज। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब फॉर्म होगी वो होगी इज, क्योंकि एक पेयर की बात हो रही है ना, जो ट्राउजर्स है, ट्राउजर तो हमेशा ही प्लूरल रहता है, लेकिन ट्राउजर्स का एक पेयर रखना उसको सूटकेस में, है ना, तो इज आपका करेक्ट हो जाएगा। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज टू गो इनटू हिज सूटकेस, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 69। देयर डैश सम बुक्स इन हिज बैग,
तो उसकी बुक बैग में क्या थी, कुछ बुक्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल है ना, तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल आएगी, वर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, उसकी बैग में क्या थी, कुछ किताबें थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वॉज मूविंग, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, द ट्री वॉज लैडन विथ फूड, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ये सब PGT 5 PGT में आए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, आई विश आई वॉर डैड, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट गेव, जो न्यूज़ आ रही है, गेव द लेटेस्ट स्कोर, जो अभी तक का जो स्कोर है उस टेस्ट मैच का, उसके बारे में है ना न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, लेटेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, आई एम कंटिन्यूली लॉसिंग माई स्पेक्टिकल, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिविन ईडियम्स, यहाँ पर कुछ ईडियम फ्रेजेस दिए गए हैं जिनका आपको सही जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, वंस इन ए ब्लू मून, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑन रेयर ओकेजन, है ना, कभी कभी, वंस इन ए ब्लू मैन ब्लू मून, सो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, टू टर्न द टेबल, है ना, टेबल टर्न करना, इसका क्या मतलब है, टू चेंज कम्प्लीटली द पोजिशन ऑफ डिसएडवांटेज, टू मेक द टेबल अपसाइड डाउन, टू क्रिएट केयस, टू चेंज द शॉरी स्कीम, है ना। सो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, टू टर्न द टेबल्स का मतलब होता है टू चेंज द सॉरी स्कीम, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट ईडियम है यहाँ पर, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, जो बुल है उसका सामना करना, तो इसका मतलब होगा टू फेस ए डिफ़िकल्ट सिचुएसन बोल्डली, ठीक है, जो बुल का सामना करना मतलब क्या है भाई, बुल कितना बड़ा होता है, उस बुल का सामना करना मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बोल्डली फेस करना, सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है प्रोबेबल, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, यानी कि नई लीफ के ऊपर टर्न करना, यानी कि नई शुरुआत करना, इसका मतलब है टू चेंज फॉर द बेटर, ठीक है, अपने अच्छे के लिए बदलाव लाना, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, देखिए नेक्स्ट है 80, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, यानी पुराना हिसाब चुकता करना, यानी कोई पुराना झगड़ा जो है डिस्प्यूट सेटल करना, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, टू सेटल ए डिस्प्यूट, ठीक है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज़ द अप्रोप्रिएट सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड्स, 81 से लेके 85 तक यहाँ पे सिनोनियम दिए गए हैं जिन्हें आपको सही सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर 81 है सीधे, इसका मतलब होता है उबलना, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉयल, और फर्मेंट, इसका मतलब होता है उबलना, गर्म होना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लाइसन 82, लाइसन का मतलब होता है मेलजोल करना, यानी किसी के साथ कनेक्शन बनाना, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, इंटीमेसी और कनेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब होता है इंस्पायर करना किसी को, या फिर प्रोत्साहित करना, या उकसाना, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एनकरेज करना, यानी कि प्रोत्साहन और इंस्पायर, प्रेरणा देना किसी को। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, प्रोन, प्रोन का मतलब होता है एक तो संभावना होता है और एक होता है पेट के बल लेटना, तो यहाँ पर वो लेटने वाले से है, तो ये प्रोस्ट्रेट और सुपाइन हो जाएगा इसका, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सुपाइन मीन्स पीठ के बल लेटना, और प्रोस्ट्रेट मीन्स पराजित होना या कोई गिरा देना, गिर जाना, तो वही प्रोन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव, है ना, प्रोपेंसिटी यानी झुकाव, सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेडी, प्रेडिस्पोजिशन एंड प्रोक्लिविटी, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट
वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यहाँ पर आपको सही वन वर्ड एक्सप्रेशन सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86, वन हु कैन ईजीली बी डिसीव्ड, यानी कि जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, ऐसा व्यक्ति होता है गुलीबल, सीधा साधा, भोला भाला। सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको जो सही ना किया जा सके उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, और ये TGT 2021 में भी आया था इनकॉरिजिबल। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो दो लैंग्वेज बोल सकता हो, तो उसे कहेंगे हम बाइलिंगुअल। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, वन हु कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड विद ईज, यानी अपना एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ में से किसी भी हाथ को ईजीली यूज़ कर सकता है, ऐसा व्यक्ति होता है एम्बिडेक्स्ट्रस। इसका मतलब ही तो है हिंदी में कुशल, है ना। डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, वन हु चैम्पियंस द कॉज ऑफ वोमेन, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो नारी हित की बात करे, ऐसा व्यक्ति फेमिनिस्ट होता है, उसे बोलते हैं हिंदी में नारीवादी। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज़ द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग्स चूज़ करनी है, ठीक है। 91 से 95, देखिए क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे सफ्रेज है ना, TGT 10 में ही आया हुआ सफ्रेज, तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो आपकी ए हो जाएगी, SUFFREZE, SUFFREZE, सफ्रेज मीन्स होता है नारी मताधिकार, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, PGT 4 में आया सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है पूरक, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग देखनी है कौन सी सही है सप्लीमेंट्री की, तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो आपका बी वाला हो जाएगा। देखिए इसमें ये तो दोनों ही गलत है, इसमें सिंगल पी दे रखा है क्योंकि डबल पी होता है सप्लीमेंट्री में, लेकिन यहाँ पे ई दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है ए, TARY होता है लास्ट में, है ना, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, PGT 4 में आया सरफीट, सरफीट की स्पेलिंग कौन सी सही है, तो सरफीट की स्पेलिंग सही है सी वाली, SURFEIT, सरफीट का मतलब होता है हिंदी में अधिक, आधिक्य, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, सेपरेट की स्पेलिंग ये डी वाली सही है, SUPPURATE। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, सर्जरी, है ना, सर्जरी की ए ये वाली स्पेलिंग सही है, SURGERY, सर्जरी का मतलब वही ऑपरेशन, है ना। इसके बाद यहाँ 96 से लेके और 100 तक यहाँ पैसेज दिया हुआ है, उसके क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे 101 से देखिए 100 तक तो पैसेज के क्वेश्चन आंसर हैं, उसके बाद यहाँ पर चूज़ द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन एक्सप्रेशन, 101 से लेके 105 तक यहाँ पर फॉरेन एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उनके सही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जैसे इंटर एलिया पहला वाला है, 101 है इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है एमंग अदर थिंग्स, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाई द फैक्ट इट्सेल्फ, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, मैन सेना इन कारपोर सैनो, तो मैन जो होता है मैन को माइंड कहते हैं, ये है ना फॉरन, ये जो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन वर्ड है ये मैंस, इसको माइंड कहते हैं इंग्लिश में, और इसको बॉडी, देखिए इंग्लिश में इसका मतलब है अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, यानी स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना, ये अरिस्तु ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, लेबर ओमिनिया विंसिट, है ना, लेबर ओमिनिया विंसिट, जिसका मतलब होता है लेबर कंक्यूअर्स ऑल, यानी जो मेहनत है वो सबको जीत लेती है, ठीक है, जो इंसान मेहनत करता है उसके आगे कोई भी नहीं टिकता, सो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, ले रोई मोटी विव ले रोई, विव ले रोई, तो यहाँ पे जो रोई है, रोई का मतलब होता है किंग, है ना, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, द किंग इज डेड कॉमा लॉन्ग लिव द किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 से 110, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे आपको एंटोनियम देने हैं, ठीक है, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं 106 से लेके 110, देखिए क्वेश्चन नंबर 106, फ्रूगल माने, फ्रूगल का जो है एंटोनियम बताना है, तो फ्रूगल माने होता है मितव्ययी, यानी कि कम खर्चीला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खर्च नहीं करता है, तो इसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा लेविस, लेविस का मतलब होता है खर्चीला, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए।
नेक्स्ट है श्रिल, 107 है ना, श्रिल का मतलब होता है बहुत तेज, शार्प. सो इसका जो अपोजिट हो जाएगा मफल्ड, सॉफ्ट, है ना. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 108, सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य. ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी कि ऐसा व्यक्ति जो शादी नहीं करता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है. और इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है मैट्रीमोनी. मैट्रीमोनी का मतलब होता है विवाह, शादी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, कैम्फ्लेस. कैम्फ्लेस का मतलब होता है छुपाना, है ना. इसका अपोजिट वर्ड होगा रिवील, है ना, यानी प्रकट करना. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफीमिनेट. इफीमिनेट होता है ऐसा व्यक्ति जो वोमैनिस होता है, यानी कि वोमैन जैसी हरकतें करने वाले व्यक्ति को कहते हैं इफीमिनेट, है ना. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. तो इसका अपोजिट हो जाएगा मैनली. मैनली यानी कि मैन, और एफीमिनेट यानी कि वोमैन. नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ यहाँ प्रोवर्ब्स दी गई हैं, उन्हें आपको सही सेलेक्ट करना है कि कौन सी प्रोवर्ब सही है. 111 से लेकर 115 तक सही प्रोवर्ब सेलेक्ट करनी है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 111, डेस्परेट कॉजेज नीड डेस्परेट रेमेडीज. डेस्परेट कॉजेज नीड डेस्परेट रेमेडीज. तो आपका जो ए वाली है यही सही है, ये वाली प्रोवर्ब सही है, बाकी ये गलत दे रखे हैं. देखिए 112 का देखिए प्रोवर्ब, किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, यानी कि ऐसी मुर्गी को नहीं मारना चाहिए जो सोने के अंडे देती हो. सो आपका बी सही हो जाएगी प्रोवर्ब, किल नॉट द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, एग्स. नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 113. देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं, करना जानते हैं या करते हैं. सो आपका सी सही हो जाएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. ओके, सी वाला ठीक है. 114 नंबर की जो प्रोवर्ब है उसमें जो सही है वो है फूल रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, यानी कि फूल रस करते हैं जहाँ पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जाने से भी डरते हैं. डी वाला सही हो जाएगा. नेक्स्ट है 115, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, है ना. तो आपका ए वाला जो प्रोवर्ब है वो सही हो जाएगा, एंड है इसमें, है ना. वैसे भी पता चल जाएगा बट सो और कॉमा नहीं है, एंड दे रखा है. तो सही वाला जिसमें एंड लगा होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए आपको देखना है चूज द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज इन द सेंटेंसेज. तो यहाँ पे आपको सही वर्ब फॉर्म सेलेक्ट करनी है. ठीक है, 116 से 116, द सन शाइन्स ब्राइटली. जो सन है वो कैसे चमकता है, ब्राइटली. तो ये जो वर्ब है शाइन, ये कैसी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. सो द राइट ऑप्शन विल बी सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, हियरिंग द नॉइज द बॉय वॉक अप. ठीक है, शोर सुनकर जो लड़का था वो क्या कर जाग गया था. तो जो हियरिंग है, अंडरलाइंड वर्ड है, वो क्या है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, पार्टिसिपल है, जीरंड है. तो ये एक पार्टिसिपल है. ठीक है, नोइस के पहले आया है, एक एडजेक्टिव है. पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव. बी आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, डिसीव्ड बाई हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड से डिसीव्ड होने के बाद ही लॉस्ट ऑल होप, उन्हें सारी आशाओं का त्याग कर दिया, उसने त्याग दी. ये जो अंडरलाइन वर्ड है डिसीव्ड, ये एक पार्टिसिपल है. सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, स्टॉप मेकिंग अ नॉइज. स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, एक ये जो मेकिंग है, जो अंडरलाइन वर्ड है, ये एक जीरंड है. सो द राइट ऑप्शन विल बी डी. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बन जाता है ना. 120 का देखिए, टू एयर इज ह्यूमन. टू एयर इज ह्यूमन, तो जो एयर है ये क्या है, इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव है, पार्टिसिपल है, जीरंड है. तो ये एक इन्फिनिटिव है ना. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, टू एयर इज ह्यूमन. नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज डायरेक्ट. 121 से 125 तक आपको वर्ब फॉर्म देखनी है. देखिए क्वेश्चन नंबर 121, देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. आपको सही वर्ब फॉर्म सेलेक्ट करनी है एज डायरेक्ट जो दी गई है नीचे 121 से 125. देखिए क्वेश्चन नंबर 121, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ले. ले की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आपको बतानी है, यानी थर्ड फॉर्म बतानी है इसकी, है ना. तो लेड इसकी थर्ड फॉर्म होती है. सो द राइट ऑप्शन विल बी ए. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बतानी है आपको लाई की. तो लाई की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है लेन. ठीक है, तो ये ले है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है ना. इसकी जो तीन फॉर्म होती हैं वो होती हैं एल ए बाई ले, लेड, लेड,
ना, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और फर्स्ट फॉर्म ले होती है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है। और जो लाई है ये भी, इसका मतलब भी लेटना होता है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, दूसरी होती है ले, लाई ले और लेन, एल ए आई एन, लेन। तीसरी फॉर्म इसकी लेन होती है। सो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ बॉर्न, बॉर्न की इन्फिनिटिव फॉर्म बतानी है, यानी फर्स्ट फॉर्म बतानी है, तो बियर होगी, है ना, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। द जीरंड फॉर्म ऑफ रन, रन की जीरंड फॉर्म क्या होगी, रन क्या, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमें जीरंड की फॉर्म प्राप्त हो जाती है ना, तो रनिंग क्या है, जीरंड फॉर्म है। सो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, रन की जो जीरंड फॉर्म हो जाएगी रनिंग। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्ली, फ्ली की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगी, फ्लैड हो जाएगी, है ना, सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।